हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। मैं आपको करा रही हूँ क्लास सेवन्थ साइंस चैप्टर नंबर 9 सोइल। ट्राई योरसेल्फ। फर्स्ट, सोइल इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। सेकंड, द रोटिंग डेड मैटर इन द सोइल इज डैश। थर्ड, ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल इज कॉल्ड डैश। फोर्थ, डैश एंड डैश पोल्यूट द सोइल। फिफ्थ, विच लेयर ऑफ द सोइल प्रोवाइड्स शेल्टर टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिक्स्थ, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड डैश इज सोइल। क्वेश्चन नंबर 7, विच सोइल हैज़ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 8, लोमी सोइल इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड डैश। 9th, परकोलेशन रेट इज इक्वल टू, आपको इसमें फार्मूला रखना है परकोलेशन रेट का। क्वेश्चन नंबर 10, विच सोइल हैज़ हाइएस्ट परकोलेशन रेट। 11, क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक डैश एंड डैश। 12, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाइएस्ट इन डैश। सॉइल का नाम लिखना है इसमें, कौन सी सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। 13, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रोइंग डैश। क्वेश्चन नंबर 14, नेम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सोइल। सोइल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपको उसमें एक नाम लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है, विच सोइल इज यूज्ड फॉर मेकिंग मटकाज एंड सुराहीज। तो आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप इन 15 क्वेश्चंस को लिखेंगे। तो ये आपके चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सोइल, उसी में से क्विज बनाई गई है। तो ये जो 1 मार्क क्वेश्चन है आपके पेपर में भी आएंगे, और इसका आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी इससे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि 1 वर्ड से ही आपको 1 मार्क मिल जाता है। तो आप एक बार ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को। नाउ योर टाइम इज अप। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, सोइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द रोटिंग डेड मैटर इन द सोइल इज ह्यूमस। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल इज कॉल्ड सोइल प्रोफाइल। डैश एंड डैश पोल्यूट द सोइल, पॉलीथिन बैग्स एंड प्लास्टिक पोल्यूट द सोइल। Which layer of the soil provides shelter to many living organisms? Top layer or a horizon भी कह सकते हैं इसको, अगर soil profile के according देखेंगे तो। Next है, mixture of rock particles and humus is soil. Which soil has greater proportion of big particles? Sandy soil. लोमी सोइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। परकोलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर अपॉन परकोलेशन टाइम। जितने टाइम में वाटर परकोलेट होता है, रिसता है, तो टाइम किस में आ जाएगा, मिनट्स में। Which soil has highest percolation rate? Sandy soil.
क्ले सोयल एंड लोमी सोयल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स. कौन कौन से अनाज अच्छे होते हैं इन सोयल्स में? वीट एंड ग्राम. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाइएस्ट इन विच सोयल? आपको सोयल का नाम बताना है. तो ये क्ले सोयल के अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड करने की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है. 13. सोयल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई ग्रोइंग मोर ट्रीज. जितना ज़्यादा ट्रीज होंगे उतना ज़्यादा सोयल का इरोजन कम होगा. नेम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सोयल. अर्थवर्म, हिंदी में इसको केचुआ बोलते हैं. विच सोयल इज़ यूज फॉर मेकिंग मटकाज एंड सुराहीज. तो जो पोटर्स होते हैं, कुम्हार होते हैं, वो क्ले सोयल को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपके 15 क्वेश्चंस, और ये है आपकी आंसर की. एक बार आप अपने क्वेश्चंस कॉपी कर लेंगे. फर्स्ट वेदरिंग, सेकेंड ह्यूमस, थर्ड सोयल प्रोफाइल, फोर्थ प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन बैग्स, फिफ्थ टॉप सॉयल और ए होरिजन, सिक्स ह्यूमस, सेवन्थ सैंडी सॉयल, एट्थ सिल्ट, नाइन्थ अमाउंट ऑफ वाटर इन ml अपॉन परकोलेशन टाइम इन मिनट्स, टेंथ सैंडी सॉयल, इलेवन वीट एंड ग्राम, ट्वेल्व क्ले सॉयल, थर्टीन मोर ट्रीज, फोर्टीन अर्थवर्म, फिफ्टीन क्ले सॉयल. तो नेक्स्ट टाइम आप अपने आप को प्रिपेयर करके आएंगे चैप्टर नंबर 10 के लिए, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. थैंक यू बच्चों.